ये फकीर कादरी ये कह रहे हैं कि बेवा की इद्दत कितने दिन की होती है और शरीयत ने इसके क्या आदाब बताए हैं? बेवा हो या तलाक याफ्ता हो, अगर तो वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, तो इस सूरत में उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश तक है। जब तक बच्चे की विलादत नहीं होगी उस वक्त तक इसकी इद्दत रहेगी। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो बेवा की इद्दत ये 4 महीने 10 दिन होती है। अब अगर महीने की पहली तारीख को, चांद की पहली तारीख को इंतकाल हुआ है, एक मुहर्रम को, एक ज़ीकात को, एक ज़िलहिज को, यानी महीने की पहली तारीख को अगर विसाल हुआ शोहर का, तो इस सूरत में पूरे 4 महीने और 10 दिन की इद्दत गुजारनी है। चांद और चांद जो है वो 4 महीने गुजारेंगे और 10 दिन जुदागाना गुजारेंगे, यानी ये इस तरह गुजारी जाएगी। और अगर इंतकाल जो है वो दरमियान में हुआ है, 2, 3, 4, 5 आखिर तक किसी तारीख के अंदर हुआ है, तो फिर इस सूरत में पूरे 130 दिन की इद्दत उस औरत ने गुजारनी है।